हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रिलेटेड एसक्यूएल व्यू से। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें मैंने क्वेरी के माध्यम से रिकॉर्ड कुछ इंसर्ट करा दिया, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा दिया है। अब ये एक ही रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे कराया इसका कोड भी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या कोड लिखा गया है। ये वो कोड है जो लिखा गया है मेरे द्वारा इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कराते वक्त, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कराएंगे। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, टेबल का नाम है स्टूडेंट टी और एक ही टेबल भी हमारे पास है। ठीक है, अब मैं इस टेबल को ऑफ करता हूं, हम चलते हैं नई क्वेरी बनाएंगे। ठीक है, इसको सेव कर देता हूं और नई क्वेरी हम बनाएंगे। तो यहां से चलते हैं, नई क्वेरी बनाते हैं। क्यों, किस लिए क्वेरी बनानी है, क्योंकि हम इसमें और भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो यहां पर ये इस तरीके से आ जाता है, यहां पर आपको क्या करना है, लिखना है इंसर्ट इनटू कमांड। तो ये लिखा इंसर्ट, लिखा इनटू इस तरीके से, और टेबल का नाम क्या है, तो यहां पे है स्टूडेंट टी, स्टूडेंट टी ये दे दिया हमने। यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, जैसे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पर सिंगल डॉट कॉमा में हम रोल नंबर देंगे, अगला रोल नंबर, तो ये दे दिया अगला रोल नंबर, कॉमा दे देंगे, कॉमा देने के बाद अगला नेम दे देंगे। ठीक है, यहां पे दे देता हूं मैं एन डबल ई आर ए जे नीरज। ठीक है, तो दो यहां पे दोनों फील्ड हमने दे दिए हैं, लेकिन गलती यहीं पे होती है, यहां पर हमें फील्ड नेम नहीं, फील्ड नेम देना होता है जबकि हम यहाँ पे डेटा दे देते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे फील्ड नेम देना है आपको, तो यहाँ पे फील्ड नेम में डालिएगा रोल अंडरस्कोर नंबर इस तरीके से, और फिर कॉमा दे दीजिएगा, फिर यहाँ पे फील्ड नेम डालिएगा नेम, सेकंड फील्ड नेम है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो जो भी फील्ड नेम है वो आप डाल दीजिएगा नेम ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। इस तरीके से आपको कर देना है, इसको बंद कर देना है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका डेटाबेस है, जो आपका एसक्यूएल डेटाबेस होगा, या फिर अगर आप माई एसक्यूएल में भी ऐसे करते हैं तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाते हैं, तो उसे ये पता चल जाएगा कि अब आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कराना चाहते हो, ये इस फील्ड में इंसर्ट कराना चाहते हो, ये बात आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगी या एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर वैल्यूज डालनी है आपको, तो ये लिख दिया वैल्यूज हमने, चूंकि दो ही फील्ड लिया हुआ है तो हम दो ही फील्ड में वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले वन लिख देता हूं सिंगल डॉट कॉमा के अंदर, फिर कॉमा लगाता हूं, अब नाम लिखेंगे स्टूडेंट का, तो ये लिख दिया गौरव सिंह। ठीक है, तो ये भी सिंगल डॉट कॉमा के अंतर्गत होगा, नहीं तो ये क्वेरी आपकी चलेगी नहीं और आप परेशान हो जाएंगे। तो आप सिंगल डॉट कॉमा के अंदर ही इसे लिखें तो ज्यादा बेटर, ज्यादा बेटर क्या, चलेगा ही नहीं तो सिंगल डॉट कॉमा के अंदर लिखना ही पड़ेगा, फिर टर्मिनेशन आपको दे देना है। ठीक है, जैसे ही टर्मिनेशन देंगे तो आपका काम हो जाएगा पूरा। अब आपको खाली क्या करना है, यहां से रन पे क्लिक करना है। तो रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कहेगा यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, माने आप एक रो को अपेंड करने जा रहे हैं, तो कर दिया जाए, आप इसमें अंडो कमांड का यूज नहीं कर पाएंगे, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यस कर दीजिए, बस आपकी रो अपेंड हो गई है। अब चलते हैं इस टेबल पर जिसमें एक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा था, अब इसमें दो रिकॉर्ड आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहां पर भी हमने रोल नंबर वन दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्वेरी से ही इसे अपेंड कराना होगा, जो क्वेरी आपने लिखा है उसी से अपेंड करा सकते हैं इसको, तो यहां से इसको टू कर दीजिए, क्योंकि हमने वन ऑलरेडी दे रखा है, इसको टू कर देते हैं। ठीक है, और यहां से वापस से फिर डिजाइन पे जा करके, और पहले तो इस टेबल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और डिजाइन पे जा करके फिर इसको रन करवा देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फिर आप वन रो को अपडेट करने जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा। तो यहां पर देख सकते हैं आप उसको अंडो नहीं कर सकते, एक बार देखिए जब मैंने दोबारा करने की कोशिश की तो इसमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, देख सकते हैं, फिर अगर हम करेंगे तो इसमें एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अगर हम इस क्वेरी पे जाते हैं, यही हमारी क्वेरी थी ना, तो यहां पर अब एक और रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, सेम क्वेरी में एक और रिकॉर्ड मिल जाएगा, कैसे, ये देखिए यहां पर गए, यहां पर इसको हटा देते हैं, अब यहां पे रोल नंबर थ्री करना चाहते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे थ्री कर दिया, आपको ऐसा लगता है कि गलती हो गई तो यहां पे थ्री कर दीजिए, और यहां पे लिख दीजिए लाइक उमेश सिंह, तो ये लिख दिया उमेश सिंह, इस तरीके से करके कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे उमेश सिंह देना है आपको, तो पहले तो यहां से ये सिंगल डॉट कॉमा हटा लेता हूं, आप दे देते हैं, यहां लिख देते हैं डबल डॉट कॉमा, तो लिखते हैं उमेश सिंह, तो ये हो गया उमेश और सिंह, फिर इस तरीके से करके आप लिख दीजिएगा। जैसे ही लिखिएगा ना, तो इसमें जो पुराने रिकॉर्ड थे वो तो इंसर्ट ही हुए हैं, जो नया रिकॉर्ड उमेश सिंह नाम का
रोल नंबर 3 वाला कराना चाहते हैं वो भी इंसर्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। यहां पर पहले स्टूडेंट टी वाले टेबल को क्लोज कर देते हैं। अब यहां से चलते हैं कहां पर, यहां पर ये देख सकते हैं। तो यहां पर डिजाइन पर जाइए और यहां से रन करवा दीजिए। फिर यही कहेगा कि यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, तो बस यस कर दीजिएगा। और यस करने के बाद जब इसको देखेंगे तो यहां पर देखिए गौरव सिंह के बाद रोल नंबर 3 जो है उमेश सिंह का है, तो ये इसी में इंसर्ट होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।